आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 अब अपने सेमीफाइनल दौर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बीती शाम खेले गए ग्रुप लीग के मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह और मजबूत कर ली। हालांकि शुरुआती 3 मैच जीतकर भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके सामने अपनी वर्चस्व की लड़ाई थी और ऑस्ट्रेलिया को मात देने की भी लड़ाई थी। बिना मिताली राज के उतरी हरमनप्रीत कौर की टीम बेहतरीन तरीके से पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना के 83 रनों की पारी की बदौलत 167 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 119 रनों पर ढेर हो गई। बता दें आपको कि 55 गेंदों में स्मृति मंधाना ने 83 रन बनाए, जहां पर उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए, जिसके बाद भारतीय टीम की तारीफ हर कोई कर रहा है। हालांकि ये लड़कियां इस बार कुछ करके आएंगी, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि भारत का मुकाबला अभी किस टीम के साथ सेमीफाइनल में होगा ये तय नहीं है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महिला की टीम किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। हम सभी नेक्स्ट 9 परिवार भारतीय महिला टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।